रोहतास बिहार का एक ऐसा ज़िला जहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और उसमें से एक है प्रसिद्ध मातुतला भवानी पर्यावरणीय पर्यटन स्थल या इको टूरिज्म स्पॉट। तो चलिए आज हम आपको प्रकृति की गोद और झरने के ठीक नीचे स्थित मातुतला भवानी के दर्शन करते हैं। हम इस बड़े पर्यटन बोर्ड के पास पहुँच चुके हैं और इसके आगे वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है, तो आप अपना वाहन यहाँ पार्किंग में छोड़ सकते हैं। इसके आगे का क्षेत्र वाहन के साथ साथ दुकानों के लिए भी प्रतिबंधित है, तो आप आगे बढ़ने के पहले पूजा सामग्री और पीने का पानी यहाँ स्थित दुकानों से ले सकते हैं। मातुतला भवानी एक इको पर्यटन स्थल है और आगे का क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त है, तो इस बात का ध्यान रखें कि थर्मोकोल का इस्तेमाल न करें, अपने साथ लाए पानी की बोतलें व अन्य प्लास्टिक की वस्तुएँ इधर उधर न फेंकें और इस पवित्र जगह को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। वाटरफॉल यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन झरना देखने में जितना पास लगता है उतना है नहीं। अगर आप यहाँ आए होंगे या फिर जब आएंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मातुतला भवानी झरना दो चरणों में होकर नीचे गिरता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जब आप झरने के पास पहुँचते हैं तो आपको सिर्फ दूसरा चरण ही दिखाई पड़ता है। सोन नदी के पास और कैमूर पहाड़ी के छोर पर स्थित मातुतला भवानी इको पर्यटन स्थल सैटेलाइट व्यू में कुछ ऐसा दिखता है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ काफ़ी परिवर्तन आया है, विकास भी हुआ है और लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं। बिहार में पर्यटन की दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह प्रसिद्ध स्थल 2003 और 2007 में कैसा दिखता था, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ मातुतला भवानी धाम और इसके आसपास का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत ही सुंदर और मनोरम है। आपको यहाँ बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, उनसे प्रसाद और खाने पीने की चीज़ें बचा कर रखें। यहाँ पहुँचते ही जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही अद्भुत है, जो आने वाले हर किसी को रोमांचित कर देता है, चाहे वो श्रद्धालु हो या फिर सैलानी। झरने से होकर आती हुई ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान दूर कर देती हैं। यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अभी हाल के दिनों में ही यहाँ झूला पुल का निर्माण किया गया है। यहाँ लगे बोर्ड में बताया गया है कि मातुतला भवानी मंदिर के निकट जलकुंड काफ़ी गहरा है, स्वयं सावधानी बरतें तथा गहरे जल में प्रवेश न करें। मंदिर जाने हेतु झूला पुल का इस्तेमाल करें और पुल पर एक साथ 30 से अधिक लोगों का आवागमन वर्जित है। लेकिन झूला पुल अभी कोरोना महामारी के मद्देनज़र बंद कर दिया गया है, तो हम पुल के नीचे से होकर जा रहे हैं जैसे कि पहले जाया करते थे। वैसे तो आप यहाँ सालों भर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होता है, क्योंकि अधिक पानी होने के कारण जलप्रपात का दृश्य आपको रोमांच से भर देता है। साथ ही हरी भरी कैमूर की पहाड़ियाँ इसे और भी सुंदर और आकर्षित बना देते हैं। कुल मिलाकर अगर इसे बिहार का स्वर्ग कहा जाए तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। श्रद्धालुओं के लिए भी यह धाम बहुत ही खास है। माता के दर्शन के लिए श्रावण मास में पूरे माह तथा नवरात्र में 9 दिनों के मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए अब हम मंदिर की ओर चलते हैं और मातुतला भवानी के दर्शन करते हैं। ऊपर है।
माता का यह मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ उनकी दो प्रतिमाएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ मिलने वाला सबसे पुराना शिलालेख शारदा लिपि में 8वीं सदी का है, जो अपठित है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि यहाँ 8वीं सदी के पहले से ही पूजा चलती आ रही है। यहाँ मिलने वाले दूसरे शिलालेख के अनुसार 12वीं सदी के राजा धवल प्रताप देव ने इसे माँ दुर्गा की दूसरी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के समय लिखवाया था। यहाँ आप दूसरा शिलालेख देख सकते हैं। इसे 19 अप्रैल 1158 ईस्वी में स्थापित करवाया गया था। शिलालेख में राजा धवल प्रताप देव की पत्नी, भाई, दो पुत्र तथा 5 पुत्रियों के साथ पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख है। माँ तुतला भवानी की अष्टभुजी मूर्ति में गढ़वाल कालीन कला की सुंदर झलक है। प्रतिमा देखने से पता चलता है कि दैत्य महिषासुर की गर्दन से रक्त निकल रहा है, जिसे देवी अपने दोनों हाथों से पकड़कर त्रिशूल से मार रही है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन डेहरी ऑन सोन है, और यदि आप सड़क के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको कोलकाता नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 से डेहरी ऑन सोन पहुँचना होगा। यहाँ से आपको डेहरी नौहट्टा यदुनाथपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-119 से करीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद तिलोथू बाज़ार पहुँच जाएंगे। बाज़ार से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको तुतला भवानी वाटरफॉल का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। आप गूगल मैप या फिर स्थानीय लोगों की भी सहायता ले सकते हैं। जब आप तिलोथू बाज़ार से तुतला भवानी जलप्रपात की ओर बढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ बादलों को छू रही हैं। इस दृश्य को शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। माँ तुतला भवानी में वन विभाग के द्वारा अस्थाई पौधशाला यानी नर्सरी बनाया गया है, जहाँ से आप काफ़ी कम कीमत पर पौधे ले सकते हैं और धरती को हरा भरा बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।